नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। टीम इंडिया के कोच ना बन पाने से रवि शास्त्री निराश, कहा इंटरव्यू में मौजूद नहीं थे सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले को दी शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने किया ऑल टाइम बेस्ट 11 का ऐलान, लिस्ट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इकलौते इंडियन प्लेयर, विराट कोहली समेत एमएस धोनी और एबी डिविलियर्स का नाम शामिल नहीं। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान हरमनप्रीत कौर बिग बैश के सिडनी की टीम में लेंगी हिस्सा, विदेशी टी20 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी, बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने की पुष्टि। ट्राई सीरीज में शानदार जीत के साथ वेस्टइंडीज पहुंचा फाइनल में, साउथ अफ्रीका हुआ टूर्नामेंट से बाहर, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने रहने के लिए शहरयार खान को नवाज शरीफ से मिली हरी झंडी, 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर अगस्त में पद छोड़ने की लगाई जा रही थी अटकलें, लंदन में नवाज से मिले थे शहरयार। और रियो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी, कोच गेरार्डो मार्टिनो की 22 सदस्यीय टीम में नहीं चुने गए मेसी, शानदार फॉर्म में चल रहे मेसी ने कोपा अमेरिका के कप में किए थे 5 गोल। ये तो हुई खेल जगत की खबरें, देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।